काफी मस्त बना रखा है यार। और भाई याद आई क्या फिर? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ, फिर से आप सब लोगों का एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज आप लोगों तक मेरा कल का ब्लॉग पहुँच गया होगा, और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम गए हुए थे डियर पार्क, और काफ़ी अच्छा दिन रहा कल का। और एक बात और कहूँगा आप लोगों से, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो गाइस अभी मेरा नहाना धोना हो गया है, आज मैं जाऊंगा हरिद्वार की मौसी लोगों के यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल ना मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, शाम से ही बारिश लगी हुई है यहाँ पे, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैं तैयार तो हो गया हूँ, अगर मौसम ठीक हो गया तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और ये देख सकते हो एक बार बाहर का व्यू, ये देखिएगा बारिश नॉन स्टॉप चल रही हुई है, ये देखो सुबह से, मतलब यानी कि कल रात से ही बारिश यहाँ पे लगी हुई है। और सुबह के टाइम में तो बहुत तेज़ थी, अभी फ़िलहाल कम है, तेज़ नहीं है लेकिन है फिर भी। और मौसम ठीक होगा तो मैं यहाँ से निकल लूँगा हरिद्वार के लिए। और फिलहाल अभी कर लेते हैं हम लोग नाश्ता, और नाश्ते में आज बना रखे हैं आलू के पराठे भाई ने। मेरे को नहाना धोना करने तक भाई ने आलू के पराठे बना लिए हैं, अब कर लेते हैं हम लोग नाश्ता। तो चलते हैं भाई के पास, किचन में हैं भाई। और भाई साहब बन गए आलू के पराठे? बन गए। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आलू के पराठे। ये करो, ये लाइट ऑन, और इसमें शायद ये देखिए मस्त गर्मा गर्म आलू के पराठे नाश्ते में। तो हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, वो भी आलू के पराठे दही के साथ हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो गाइस हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। हेलो गाइस, ये देखिएगा गाइस काफी मस्त बना रखा है यार। उसका खाते चेक करते हैं, देखने में इतना करा लगा है लेकिन गर्म बहुत हो रहा है। सब भाई अच्छे बनाता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी फिनिश, तो गाइस ब्रेकफास्ट भी हो गया है, काफ़ी मस्त ब्रेकफास्ट आज का रहा। और आलू के पराठे मस्त एकदम टेस्टी बनाए हुए थे भाई ने, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर थोड़ा भी कम होता है तो फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। अगर टाइम से निकल जाऊँगा तो टाइम से वहाँ पहुँच भी जाऊँगा, और मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है दिन भर भी लगे रहे क्योंकि आजकल मौसम ही इसका है बरसात का। तो इसलिए मैं निकल जाऊँगा थोड़ा भी कम होगा तो। आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है आपका 11:40 हो रहे हैं, और अभी थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो रखा है तो निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं ISBT पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से देखता हूँ हरिद्वार के लिए बस कहाँ पे लगी हुई है करके। ये देखिएगा कितना महंगा ट्रैफिक हो रहा है। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ से बैठ चुका हूँ हरिद्वार के लिए, और अभी यहाँ से निकल चुके हैं, और वहाँ से कम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ट्रैफिक का भी होता है, कांवड़ यात्रा चली हुई है इसलिए। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हो, ये देखिएगा अब स्टार्ट होने लगे हैं जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग। अब हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए ये रास्ते में मिलने लगे हैं जो भी कांवड़ यात्रा को निकालने में लगे हुए हैं ये लोग, ये देखिएगा। और अब यहाँ से ना हल्का फुल्का ट्रैफिक लगते रहेगा, यहाँ से हमें हरिद्वार जाने के पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आजकल कांवड़ यात्रा स्टार्ट हुई है इसलिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार बस स्टैंड में, और अब यहां से चलता हूं शिवालिक नगर के लिए, देखता हूं यहां से कोई मिलता है तो।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे हरिद्वार मस्त लोगों के यहाँ पे या मस्त पहुंचने वाला ही है ये आ गया और पूजा प्रणाम कर पहले भैया को शाबाश शाबाश और भाई याद आई क्या फिर स्कूल से किस टाइम आया कब का आ गए जब तो भाई आप लोगों को ये वाला सीन कुछ दिनों बाद देखने को मिल रहा होगा ये देखिएगा। और अभी हल्का हल्का बारिश हो रही है और जिस टाइम मैं यहाँ पहुँचा और वहाँ से आ रहा था उस टाइम बारिश कतई नहीं थी, रुकी हुई थी क्योंकि मेरे पास छाता भी नहीं थी और बारिश भी रुकी हुई थी। अच्छी किस्मत रही मेरी और ये हमारा आयुष भाई जो कि 4-5 दिन बाद हमारे ब्लॉग में मिल रहा है। तेरे को याद आई कि नहीं मेरी आई पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा है पर तेरी याद मेरे को भी आई जब वहाँ गए थे हम पार्क में। हाँ बहुत मज़े बहुत याद आई तेरी पता है मैं सोच रहा था कहीं तू भी होता तो मुझे करता तू भी वहाँ है। जैसे हम लोग गुफाओं में गए हुए थे तो वहाँ पे बहुत छेड़ाखानी कर रहा था ना उन गुफाओं के अंदर में, वैसे मैं सोच रहा था अगर यहाँ होता तो ये इन जानवर के साथ भी छेड़ाखानी कर लेता, ये इतना शैतान था क्यों तभी याद आई वरना नहीं तो आती कि नहीं आती क्या बता बंदर को उसमें डाल देते। ये देखो अभी मौसम अब आज का रोज ही ख़राब हो रहा है। जोशी जी कैसे हो आप? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। अच्छा कहाँ से आए आज? देहरादून से। क्या करने गए थे वहाँ? घूमने। कहाँ चले? जोशी जी एक बात बताओ याद आई नहीं आई? याद तो इतनी आई कि बस हम तो मोर हो गया बस हो गया मुझे पता है कितनी आई। सब्जी क्या की बना रहे हो? सब्जी बना रहे हैं अरबी आलू। अच्छा याद तो हमें इतनी आ रही थी कि तुम्हारी हम सो रहे थे कल तुम्हारे साथ ही निकल लेते हैं, वो आप देहरादून को निकलने का विचार था सुबह तुम आई गए तो इसलिए जो है तो हमने कहा चलो कैंसिल करो प्रोग्राम। अच्छा नहीं तो गाड़ी बुक कर रखी थी, ड्राइवर को बोल रखा था मैंने आ जाना सुबह, उन्होंने बोला ठीक है आ जाऊँगा। अब मैंने अब उसको फोन कर दिया है तो आपने बताना चाहिए ना मेरे को। तेरे को बताएंगे तेरे को तो बता के सप्लाई दे रहे थे क्या मेरे को? तेरे को बता के तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर और यहां तो उल्टा हो गया फिर मामला। हां सारा मामला गड़बड़ हो गया, तूने चौपट कर दिया मामला। मैंने दे दिया सरप्राइज है। हां उल्टा कर दिया तूने खाली। अच्छा तो गाइज इन दोनों का चला हुआ है आज टेस्ट क्योंकि 4-5 दिन बाद मैं आ रहा हूँ देहरादून से तो मैंने इनको बोला हुआ था याद करके रखिए होकर का और आते ही टेस्ट लूँगा। तो आज इन दोनों की क्लास यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिएगा 1 घंटे का क्लास है इनका जो कि ये लगे हुए हैं। अभी 15 मिनट हुए हैं टेस्ट ये स्टार्ट हुए हुए। तो गाइज इन लोगों का टेस्ट तो मैंने ले लिया है और जहाँ पे इनको डाउट हो रहा था कि मतलब गलत है और जो क्वेश्चन इन्हें छोड़ रखा था वो मैंने इनको दोबारा याद करने के दिया और वो इन्हें याद कर दिया। तो अब मैं इनसे सुनूंगा और आप लोग ध्यान से सुन सकते हो। चलो भाई रेडी। सो क्वेश्चन है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो ऐसा तरीका बताओ जिससे कि जो गैसेस हैं वो लिक्विफाइड हो जाए। सो आंसर उसका द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर विद पिस्टन फिल्टर ऑन इट बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन दैम द गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। सो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनको हम सिलेंडर में रखते हैं पिस्टन के साथ पिस्टन फिल्टर ऑन इट और ठंडा करके और उन पर प्रेशर अप्लाई करके तो वो गैसेस लिक्विफाइड हो जाएंगी। ओके इसका भी रहा था तो चलो भाई आइए स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? आंसर वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एज इट डू नॉट नीड टू बी डाइजेस्ट एंड इट एज ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म एंड गेट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय आवर बॉडी। तो इन हिंदी जो ग्लूकोज होता है वो हमें जल्दी से शक्ति देता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारे पेट में, डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं होती उसको हमारे पेट में और वो हमारा पेट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप। तो गाइस अब हम लोग कर लेते हैं डिनर जल्दी से, ये देखो रेडी है डिनर हमारा। तो गाइस फिलहाल हमारा डिनर भी हो चुका है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।